हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ पंजाबी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे, साथ ही कढ़ी जो है वो फटेगी नहीं। तो चलिए बिना देर के हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जोर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। इस कढ़ी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 1/7 हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े से मसाले भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। तो मसाले में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि बेसन में कोई गुठलियाँ ना रहे। इसे फेंटने के लिए हम विस्कर ले लेते हैं, उससे बहुत ही आसानी से और अच्छे से फेंटा जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि आसानी से बेसन जो है फेंटने में बनेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें पहले यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, जिससे कि बेसन में कोई गुठलियाँ नहीं रहेगी। विस्कर से फेंटने से बहुत ही आसानी से ये फिट जाता है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो दाल घोटने वाला जो घोटनी होता है उससे भी आप इसे फेंट सकते हैं, या फिर सभी चीज़ों को आप मिक्सी के जार में डाल लें और थोड़ी देर के लिए मिक्सी चला लें, तो उससे भी आपका जो घोल है वो तैयार हो जाएगा। बेसन को अच्छे से घोल लिया है यहाँ पे मैंने, इसमें अब कोई गुठलियाँ नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेसन के घोल में नमक जो है मिक्स हो जाए। घोल में नमक अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे 1 लीटर हमें पानी डालना है, तो 1 लीटर तो इस बर्तन में अटेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी डाल के इसे मिक्स कर देती हूँ, साइड कर लेते हैं। और अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं, बाकी पानी हम डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई, और इसमें हम डाल लेंगे सरसों का तेल। ये कढ़ी हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तो खड़े मसाले में हम डाल लेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें हींग डाल लेंगे, इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 चम्मच खड़ा धनिया, 1/4 छोटा चम्मच काले वाला सरसों, साथ ही 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, और साथ ही उसमें मेथी दाना। अगर आपके पास ये सारे खड़े मसाले नहीं, तो अगर आपके पास पंचफोरन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्ची, और उसे तोड़ के डाल देंगे। अब हम यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक और छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए लहसुन डाल सकते हैं। अदरक लहसुन को हम थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। बस हल्का सा इसे लाल कर लेना है। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और प्याज को हल्का सा लाल होने तक हमें भून लेना है। प्याज जो है वो लाल हो गया है, तो अब हमने जो बेसन का घोल तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे। हमने 1 ग्लास पानी पहले ही डाला था, 3 ग्लास और हम पानी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी और ले लिया है, वो डाल देते हैं। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ी में से उबाल ना आने लगे। अगर आप छोड़ेंगे तो ये कढ़ी जो है आपकी फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जब तक इसमें से उबाल ना आए तब तक हमें बस पकाना है। कढ़ी में से उबाल आने लगा है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, और इसे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट पे बीच बीच के अंतराल में हम इसे चलाते रहेंगे। और हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है, जिससे कि कढ़ी हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी और बेसन जो है वो अच्छे से पक जाएगा, तो कढ़ी का कच्चापन सारा खत्म हो जाता है।
तो जब तक कढ़ी अब पक रही है 20 मिनट तक, तब तक हम बड़ी बना लेते हैं, यानी कि इसके लिए पकौड़े तैयार कर लेते हैं। बड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया आधा कप बेसन। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं जिससे कि हमारी बड़ी जो है बहुत ही चटपटी सी बनी। तो अब हम इसमें डाल लेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे सिर्फ बड़ी के लायक ही नमक डाले क्योंकि हमने कढ़ी में पहले से नमक डाल रखा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। तो मसाले में हम डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार करना है हमें। यहाँ पे बहुत पतला घोल हमें नहीं तैयार करना है क्योंकि अगर हम पतला घोल बनाएंगे तो बड़ी जो है हमारी फैलने लगेगी, गोल गोल नहीं बनेगी। और इस तरीके से अच्छे से फेटेंगे जिससे कि हमारी बड़ी जो है वो बहुत ही फ्लफी बने। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम फेट लेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया है तो यहाँ पे हमें आधा कप पानी की जरूरत पड़ेगी इस बड़ी के लिए। अभी देखिए कितना गाढ़ा है, तो और हम पानी इसमें डाल लेते हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे आधा कप पानी लगा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालना है नहीं तो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चुटकी ही बेकिंग सोडा डालना है। और हमें इस घोल को कम से कम 5 मिनट तक फेटना है जिससे कि बड़ी जो है बहुत ही फ्लफी बने। अगर आप नहीं फेटेंगे तो बड़ी जो है आपकी फ्लफी नहीं बनेगी। तो इसके लिए अगर आपको अपनी बड़ी को फ्लफी बनाना है और कढ़ी उसमें अच्छे से सोक हो तो आप यहाँ पे खूब अच्छे से इस तरीके से फेटते चले जाएँ जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर भर जाए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 ग्लास पानी ले लेंगे, उसमें 2 ड्रॉप हम डाल के देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ तैरने लगा है, यानी कि हमारा जो बड़ी के लिए जो घोल है वो परफेक्ट तैयार हो गया। तो अब हम इसकी बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। तो बड़ी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें चम्मच की सहायता से हम 1 1 चम्मच डालते जले जाएंगे जिससे कि बड़ी जो है हमारी अच्छे से शेप ले लेगी। तेल यहाँ पे खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद गैस को मीडियम कर ले और तभी ये सारी बढ़िया फ्राई करें, नहीं तो बड़ी जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी। एक बार में जितनी बड़ी कढ़ाई हो उसी हिसाब से बढ़िया हमें फ्राई करनी है। यहाँ पे मैंने 5 बड़ी डाल ली और ऐसे ऐसे तेल को लेके ऊपर से डालते चले जाएंगे जिससे कि ऊपर का पोर्शन है वो भी हल्का सा पक जाए, तब हमें इसे पलटने में आसानी होगी। बड़ी जो है ऊपर से पक गई है, अब हम इसे पलट लेंगे और उलट पलट करते हुए हमें हल्का सा लाल होने तक इसे फ्राई कर लेना है। बड़ी जो है वो हल्की सी लाल हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारी बड़ी जो है वो फ्राई हो गई है। इसी तरीके से हम सारी बड़ियां हमें पहले फ्राई कर लेनी है। ये देखिए ऐसे हम सारी बड़ी को पहले फ्राई कर लेंगे। सारी बड़ियों को मैंने फ्राई कर लिया और कढ़ी को भी पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और कढ़ी जो है अच्छे से गाढ़ी हो गई। तो अब जो हमने बड़ी फ्राई करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब यहीं पे हम डाल लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट कढ़ी में आ जाता है। तो ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे छौंका लगा लेते हैं। उसके लिए लिया है यहाँ पे मैंने 1 छोटा सा पैन। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल को हल्का गर्म हो जाने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही 1 सूखी लाल मिर्ची। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है कढ़ी में।
अब इस तड़के को हम कढ़ी में डाल देते हैं। ये मैंने कढ़ी में इसे मिला दिया है। ये हमारी कढ़ी बड़ी बन के तैयार हो गई है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये पंजाबी स्टाइल कढ़ी बड़ी की रेसिपी कैसी लगी।